नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं। मूलों की प्रकृति इसके लिए पहले देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ग समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। यदि इस तरह मानक रूप है तो इसके मूल क्या होंगे, तो इसके मूल हो जाएंगे, ये मानक रूप है, मानक रूप ये वर्ग समीकरण, इसी को द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। द्विघात समीकरण के मानक समीकरण के मानक रूप है, इसके मूल होंगे माइनस बी प्लस कर्णी में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे दो ए, और दूसरा मूल होगा माइनस बी माइनस कर्णी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, ये हो गया। अगर इनको एक सम्मिलित रूप से लिख लें तो इसको ऐसे लिखते हैं, x बराबर माइनस बी, देखिए प्लस माइनस कर्णी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे दो ए। देखिए ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ एक माइनस में है, तो इसी को एक संग मिला के इस तरह लिखते हैं। तो वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं इस तरह, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। अब इसमें इस चीज़ को विविधकर कहलाता है, विविधकर। इसी से मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है। यदि पहला देखते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देखिए विविधकर है, इसको कैपिटल डी से भी दिखाते हैं, ठीक ना, प्रदर्शित करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा हो, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, इसको डी बड़ा हो जीरो से, ठीक ना, डी के स्थान पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी बोलते हैं, इसलिए या तो ये लिख सकते हैं। अगर ये हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो या डी बराबर जीरो हो, ठीक ना, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। थर्ड है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर छोटा हो जीरो से, मतलब ऋणात्मक में हो, ठीक ना, बड़ा हो जीरो का मतलब धनात्मक में होना होगा, कोई भी मान धन में आना चाहिए, प्लस में आएगा, और इसका मतलब ये जीरो में आएगा, और छोटा है जीरो मतलब, या इसको लिख लेते हैं, जी जीरो से छोटा हो, डी जीरो से छोटा हो, इसका मतलब होता है कि कोई संख्या अगर डी का मान ज्ञात करेंगे तो ऋणात्मक में आ जाए तब क्या होगा, ऋणात्मक, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक ना। इन तीनों पर आधारित क्वेश्चन हम लगाएंगे ताकि ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम एक प्रश्नावली 4.4 से देखिए, प्रश्नावली 4.4 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए पहला है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन दिया हो 2x² - 3x + 5 = 0, यदि ये क्वेश्चन दिया है, ये वर्ग समीकरण है, यदि क्वेश्चन दिया है, अगर इसको पता करें कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे, देखिए दिए गए समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर देखिए ये है वर्ग समीकरण का मानक रूप। अगर इससे तुलना करेंगे तो x² इसका a और ये 2, तो a है तो ये 2 इसका ही हो गया, तो a बराबर 2, फिर x b = -3 और c ये रहा 5, तो ये 5 लिखा। अब इसका विभेदकर ज्ञात करेंगे, विभेदकर मतलब d बराबर b² - 4ac, तो इसे मान रखते हैं तो b का वैल्यू -3² - 4a, a का मान 2 और c का मान 5, तो इसको हल करें कितना आएगा, इसको मिटा लेते हैं पहला, ये हमको याद हो गया है, देखिए तो 3² - 9 माइनस, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40, तो 9 में 40 घटाया तो -31, तो देखिए d का मान माइनस में आया, ऋणात्मक में आया, अर्थात d का मान 0 से छोटा है या ऋणात्मक में है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि d का मान 0 से छोटा ऋणात्मक में आ गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x² - 4√3 है ना +4 = 0, तो इसको भी लिखेंगे, दिए गए वर्ग समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, x² a का वैल्यू 3, a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। अब विभेदकर ज्ञात करेंगे, विभेदकर का है d = b² - 4ac, तो b के वैल्यू कितनी है, ये चीज है, तो यहां रखते हैं -4√3 - 4 × a = 3 और c का मान 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, -4√3 है, स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज़ दो बार लिखना है, तो लिखते हैं हम -4√3 × -4√3, चूँकि दो माइनस में है तो दो माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, गुणे में कैंसिल हो जाता है, फिर 4 × 4 = 16 और करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो 16 × 3 = 48 हो गया, तो हम यहाँ 48 लिख लेते हैं माइनस, अब इसका गुणा कर लेते हैं, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, तो 48 में 48 गया 0। देखिए d का मान 0 हो गया, ठीक ना, तो अतः 2 बराबर मूल होंगे
मूल होंगे, ठीक ना। इस समीकरण के मूल की प्रकृति दो बराबर मूल होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2x² - 6x + 3 = 0। इसको भी लिखते हैं, दिए गए वर्ग समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x² a की वैल्यू 2 हो गई, a = 2, b की वैल्यू -6 और c का मान 3। विभेदकर ज्ञात करेंगे, इसको d से प्रदर्शित किया जाता है, d = -b² - 4ac, b = -6² - 4 × a = 2 और c = 3 है। 6 का वर्ग करेंगे, 6×6=36, -का वर्ग + -4×2=8, 8×3=24, तो घटाएंगे तो 4 ये आ गया 12। अब देखिए, चूंकि d का मान प्लस में है या 0 से बड़ा है, ये कह सकते हैं, चूंकि d का मान 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक में है, अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, देखिए भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे, ठीक ना, दो अलग अलग में होंगे, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने आज मूलों की प्रकृति ज्ञात किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।